डियर फ्रेंड, चैप्टर नंबर 9 हम देख रहे हैं, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो मेन टॉपिक क्या है इसमें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर बाद में एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, फिर उसके एप्लीकेशन है, और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर बाद में उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ने वाले होंगे। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो चैप्टर नंबर 9 का जो चैप्टर है, इसमें हम इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, जितने पॉइंट बता रहा हूँ उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कि ताकि आपके जो चैप्टर्स 9 हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे आप कवर कर सको, सारे आप समझ सको, कि ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आगे चलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम देख लेते हैं। देखिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले तो देखिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मास क्या है, m है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, लेट मास ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ लिया, इसके पहले वाले जो वीडियो था इसमें हमने पढ़ लिया, जिसको इसका पार्ट वन वीडियो है उसमें हमने पढ़ा कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। फिर उसके बाद से इनिशियल मोमेंट हमने ये भी पढ़ा कि एम यू होता है, और फाइनल मोमेंटम जो होता है वो एम वी होता है। फिर चेंज इन मोमेंटम भी हमने देखा कि एम वी माइनस एम यू होता है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हमने देखा, ये फॉर्मूला हमने वहाँ तक फाइंड आउट किया था। ठीक है, एम वी माइनस एम यू माइनस एम वी, सॉरी एम वी माइनस एम यू है ये, एम यू अपन टी। ठीक है, यहाँ तक देखा। अब फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस वी हैव फोर्स इक्वल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है। ठीक है, फोर्स, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर दिया, एम इसमें से कॉमन कर लिया, तो वी माइनस यू अपन टी हो गया। और वी माइनस यू अपन टी हम जानते हैं कि क्या है, ये एक्सेलरेशन है। क्या है? ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, जो हमने मोशन में पढ़ लिया है, v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a आ गया, और जब इसका प्रोपोर्शन हटाते हैं तो k कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो f इक्वल टू k इंटू m a आ जाता है। ठीक है, और k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाउ वन यूनिट फोर्स इज डिफाइन एज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट मास 1 kg, मास 1 kg। अगर मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूँ तो 1 newton इक्वल टू क्या होता है, 1 unit फोर्स इज डिफाइन एज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s². द यूनिट फोर्स ऑफ इक्वल टू 1 newton हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 newton। 1 newton का डेफिनेशन लिखना है, तो 1 newton इज डिफाइन एज द फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास 1 kg टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन 1 m/s² इज कॉल्ड एज ए 1 newton फोर्स। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1, अगर के की वैल्यू 1 हम पुट करते हैं तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, और फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमने पहले देख लिया न्यूटन होता है, और फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन पता ही है। तो यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगा, के जी का यूनिट, और एक्सेलरेशन का यूनिट जो पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाता है, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो 1 newton, 1 unit ऑफ फोर्स डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस एंड एक्सेलरेशन 1 m/s ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास के जी, वही चीज़ जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखा वही है। अब एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला एप्लीकेशंस को ध्यान से पढ़ते हैं, पहला एप्लीकेशंस क्या है, पहला, अ फिल्टर पुल हिज हैंड बैक बॉर्ड
वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल कमिंग विद अ ग्रेट स्पीड, मतलब एक फील्डर होता है बहुत स्पीड से बॉल आती है तो बॉल के साथ वो स्पीड अपने हैंड को करके और उसको कैच करता है तो उसके हाथ में उसको क्या लगता है, चोट नहीं पहुंचती है। एक्चुअली वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल द मोमेंटम ऑफ अ बॉल इज रिड्यूस्ड टू जीरो, इफ द बॉल इज स्टॉपिंग सडनली इट्स मोमेंटम विल बी रिड्यूस्ड टू जीरो इंस्टेंटली कॉजिंग द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू विच बॉल विल एक्सर्ट ग्रेट फोर्स ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर ड्यू टू विच द प्लेयर हैंड मे बी गेट इंजर्ड therefore by pulling the hand backward a fielder give more time to change of momentum to become zero this prevent to hand of a fielder from getting hurt। समझ में आया, पॉइंट यही एक्सप्लेन कर रहा था। सेकेंड क्या बोला है कि फॉर एथलीट्स ऑफ लॉन्ग एंड हाई जम्प सैंड बैड कसन बैड इज प्रोवाइडेड एट द प्लेस ऑफ लैंडिंग दिस इज बिकॉज वे वेन एन एथलीट्स फॉल ऑन द ग्राउंड आफ्टर परफॉर्मिंग ए हाई और लॉन्ग जम्प द मोमेंटम ऑफ हिज बॉडी इज रिड्यूस टू जीरो इफ द मोमेंटम ऑफ एन एथलीट्स विल बी रिड्यूस टू जीरो इंस्टेंटली इट विल बी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज फोर्स विच मे हर्ट द प्लेयर वेर एज बाई प्रोवाइडिंग ए कसन बैड द मोमेंटम ऑफ प्लेयर बॉडी इज रिड्यूस टू जीरो इन द डिले पीरियड ड्यू टू विच लेस फोर्स एक्ट ऑन हिज बॉडी हैंस प्रिवेंटिंग द एथलीट फ्रॉम गेटिंग हर्ट। नेक्स्ट क्या है, सीट बेल्ट इन ए कार आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द पैसेंजर फ्रॉम गेटिंग थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन केस ऑफ सडन ब्रेकिंग और एनी एक्सीडेंट पैसेंजर्स मे गेट थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल एंड मे गेट फैटल इंजरीज वेर द स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट प्रिवेंट द पैसेंजर्स बॉडी टू फॉल सडनली एंड दस इंक्रीज द टाइम ऑफ द रेट ऑफ मोमेंटम टू बी बिकम जीरो दिस विल रिड्यूस द इफेक्टिव फोर्स हैंस प्रिवेंटिंग द पैसेंजर्स फ्रॉम गेटिंग एनी फैटल इंजरी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस का। थर्ड लॉ ऑफ मोशंस हम देख लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या कह रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट डैट देयर इज अ लॉ ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट। तो ये बताता है क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको एक्शन रिएक्शन मोशन बोला भी जाता है। ठीक है, अभी इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, फर्स्ट देख लीजिए, रिकॉयल ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम वन गन इट मूव्स अहेड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द बुलेट अप्लाई सेम फोर्स ऑन गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस फोर्स गन मूव्स बैक गिविंग ए जर्क टू द शोल्डर ऑफ द गन मैन दिस इज कॉल्ड रिकॉयल ऑफ गन हियर गन मूव्स बैक ओनली बाय स्मॉल अमाउंट ड्यू टू इट्स हैवी मास। सेकेंड, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन इज एबल टू वॉक ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यू बॉडी क्या होती है, मूव होती है। ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिएक्शन द ग्राउंड ऑल्सो पुशेस द पर्सन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन द इनेबल हिम टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द पुश। थर्ड देखिए, स्विमिंग इन वाटर मैन पुशेस वाटर बैक बाई अप्लाइंग फोर्स बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ वाटर अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन स्विमर ड्यू टू दिस फोर्स मैन मूव्स अहेड। एंड नेक्स्ट है, प्रोपल्जन ऑफ बोस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सेलर पुशेस वाटर विथ ओर इन बैकवर्ड डायरेक्शन रिजल्टिंग वाटर पुशिंग द ओर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसिक्वेंटली द बोट इज पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से नाव आगे की तरफ बढ़ जाती है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इफ वन और मोर ऑब्जेक्ट हैं अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर विथ नो एक्सटर्नल फोर्स देयर फाइनल मोमेंटम रिमेन सेम एज इनिशियल मोमेंटम। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मतलब पहले कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वही उसके कोलिजन के बाद भी मोमेंटम होगा। अब मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं कि क्या है। सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ईच ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग इनिशियली द वेलोसिटी u1 एंड u2 स्ट्राइक ईच अदर आफ्टर टाइम t एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
वी नो डैट द मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, हमें सब पता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट हमें पता है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमने देख लिया ए के लिए बी के लिए। देखिए ए के लिए अगर इनिशियल मोमेंट बोले तो एम वन इंटू वन हो जाएगा, और बी के लिए इनिशियल मोमेंट एम टू इंटू वी टू यू टू हो जाएगा, फाइनल वही एम वन वी वन और बी के लिए एम टू वी टू हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, वही चीज़ मैंने लिख दिया कि एफ ए बी अगर मैं बात करूँ तो एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन अपन टी इक्वल टू एम वन अगर कॉमन कर लें तो वी वन माइनस यू वन अपन टी हो जाएगा। उसी तरह बी ए के लिए अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एम टू वी टू माइनस यू टू अपन टी हो जाएगा। बट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या कह रहा है कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला बन के आ जाता है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ये मेरे पास फार्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि टोटल इनिशियल मोमेंट इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंट। एप्लीकेशन क्या है उसकी, एप्लीकेशन ये बताता है प्रोपेलिंग ऑफ रॉकेट, द केमिकल इनसाइड द रॉकेट बर्न एंड प्रोड्यूस द हाई वेलोसिटी ब्लास्ट ऑफ हॉट गैस, दीज गैसेज गेट इजेक्टेड डाउनवर्ड विद अ ग्रेट वेलोसिटी टू कंजर्व द टोटल मोमेंट ऑफ गैसेज, द रॉकेट मूव्स ऑफ विद अ हाई लार्ज वेलोसिटी विद अ लार्ज वेलोसिटी। फ्लाइट ऑफ अ जेट प्लेन्स, इन अ जेट प्लेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज प्रोड्यूस बाई कम्बशन ऑफ अ फ्यूल इज अलाउड टू स्केप थ्रू अ जेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू हाई वेलोसिटी, द बैकवर्ड मूविंग गैसेज हैव अ लार्ज मोमेंटम, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम द प्लेन गेट अ पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मूव्स विद द ग्रेट स्पीड। ठीक है, उसके बाद से ये कुछ क्वेश्चन आएंगे जो हम ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा, बट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि ताकि आपको इसके बारे रिलेटेड आइडियाज मिले। क्या है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन देन हाउ ए हॉर्स इज एबल टू पुल अ कार्ट, क्या रीजन से ये हॉर्स क्या करता है पुल कर ले रहा है कार्ट को। एक्सप्लेन व्हाई इज डिफिकल्ट फॉर ए फायर मैन टू होल्ड अ हॉर्स विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। थर्ड, इफ द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज 50 kg, वट फोर्स विल बी रिक्वायर टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए रेट ऑफ 2 m/s2। तो सिंपल सा है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। एन ऑब्जेक्ट 50 kg गेट द स्पीड 10 m/s इन 5 seconds फ्रॉम द जीरो वेलोसिटी, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन ऑफ द कार, ये भी हम कर सकते हैं। अ बुलेट ऑफ 5 g इज फायर्ड फ्रॉम पिस्टल ऑफ 1.5 kg, इफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज 1.5 m/s फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने ये सब देखे। तो ये था चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 वीडियो, आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। बेल आइकन पर क्लिक करना इसलिए बोला जा रहा है कि ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले आप इसे देख के और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकें, इसलिए ये बोला जा रहा है कि आप बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जैसे आप नेट ऑन करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे देखकर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, लाइक करिए कि ताकि आपको के साथ साथ जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।